हमीरपुर लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल की नामांकन सभा में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रत्याशी के पक्ष में भाषण देते हुए लोकसभा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल की वोट देने की अपील की। साथ ही भाजपा की उपलब्धियां बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन विपक्षी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और सपा परिवारवाद की राजनीति करते हैं। नामांकन सभा में हजारों की संख्या में लोग दिखाए। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल की दो बार जीत के बाद तीसरी बार भाजपा ने अपने प्रत्याशी बनाया है। नामांकन सभा में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, विधायक सहित भाजपा के स्थानीय नेताओं ने पार्टी के पक्ष में वोट देने की मंच से अपील की है। प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। हमने यहां पर जनसभा में देखा, सभी जाति धर्म संप्रदाय का वोट आदरणीय पुष्पेंद्र चंदेल जी को मिल रहा है। ये जीत माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की है। जन जन का भरोसा बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ा है। हमीरपुर में हमने देखा कि एक तरफा वोट पुष्पेंद्र जी को मिल रहा है। मैं जीत की अग्रिम बधाइयां देता हूं और सर्व समाज आदरणीय पुष्पेंद्र जी के साथ है। बहुत बहुत बधाई। जब नेताजी की डेथ हुई मुलायम सिंह जी की, तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार उनको सांत्वना व्यक्त करने के लिए हम लोग गए थे कि नहीं गए थे। लेकिन जब बाबूजी कल्याण सिंह जी की अंतिम यात्रा निकली, अखिलेश यादव जी 500 मीटर दूर रहते हैं, फूल चढ़ाने नहीं आए थे। मैं हमीरपुर के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको इस बात की पीड़ा नहीं है। बाबूजी जिन्होंने पूरा जीवन राम मंदिर को दे दिया, अखिलेश यादव जी पुष्पांजलि करने नहीं आए, 500 मीटर दूर नहीं आए, लेकिन